एक चीज़ कश्मीर के जो मोटो व्लागर्स हैं ना वो सच कहते हैं कि सर्दियों में मोटो व्लागिंग करना एक चैलेंज रहता है कश्मीर में। क्या बताओ कितना कितनी कितना ज़्यादा ठंड है अभी। तो असल में मतलब ये जो आपको धूप दिख रही है ना, अभी थोड़ी सी धूप दिख रही है, ये बस दिखावा है। वो बोलते हैं ना वो छल्ला हुआ, एक छल्ला हुआ है। बाकी ठंड क्या बताओ कितनी ज़्यादा ठंड है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी राइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर है जहली, ये पानी है देखो मेरे साइड से, ये रिवर बह रहा है यहाँ से, जहलीम का एक शौक है। तो इसी की वजह से यहाँ पर ज़्यादा ठंड मुझे अभी लग रहा है। तो सच में जो बाहर के मोटो व्लागर्स हैं, आउटसाइडर्स कश्मीर के बाहर, जैसे जम्मू के काफ़ी ज़्यादा मोटो व्लागर्स हैं, मुझे नहीं लगता वो यहाँ पर मोटो व्लागिंग कर सकते हैं विंटर्स में। विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कश्मीर में मोटो व्लागिंग करना। मतलब हमारे अदनान भाई KTM डॉक्टर ने भी यही कहा था, एक चैलेंज है उनके लिए अगर वो यहाँ पे आके मोटो व्लागिंग करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। ये तो अब हमारी थोड़ी बहुत आदत हो चुकी है, हम यहाँ पर मोटो व्लागिंग कर रहे हैं फिर भी इतनी ज़्यादा ठंड में बाइक चला रहे हैं। तो रात को इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर डाउन होता है ना, पूछो ही मत। और कुछ लोग मतलब मैंने KTM डॉक्टर जो अदनान भाई है, मैंने उनकी वीडियो देख के मतलब सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर दो। तो जो कश्मीर के पहले मोटो व्लॉगर है ना वो KTM डॉक्टर है, क्योंकि हमने भी उनकी वीडियोस देखी हैं। हम मतलब इसमें कोई शक नहीं है, हमारी तब भी चैनल थी, बट इसका ये मतलब नहीं हमने पहले मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट की। जिसने पहले वीडियो डाली ना वही मोटो व्लॉगर है, मतलब फर्स्ट मोटो व्लॉगर ऑफ कश्मीर। तो KTM डॉक्टर पहला बंदा है जिसने कश्मीर में सिल्वर प्ले बटन लाया, मोटो व्लॉगिंग में मैं बोल रहा हूँ, बाकी किसी और फील्ड में नहीं बोल रहा हूँ। तो पहला सिल्वर बटन KTM डॉक्टर ने लाया। तो बाकी आजकल सारे अपने बायो में लिखते रहते हैं फर्स्ट मोटो व्लॉगर ऑफ कश्मीर, फर्स्ट मोटो व्लॉगर ऑफ श्रीनगर, फर्स्ट मोटो व्लॉगर ऑफ वगैरह वगैरह, बट बोलने से क्या होता है, जिसको सच पता है उसको पता है, वैसे सबको पता ही होगा। तो उनकी चैनल के साथ एक्चुअली में क्या हुआ, तो जब वो वीडियो डाल रहे थे ना, उनकी चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग में थी, काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब व्यूज़ आ रहे थे उनके चैनल के। तो मसला हुआ कुछ ऐसा, यहाँ पर आपको पता है कुछ साल पहले, दो चार साल पहले यहाँ पर हो गया इंटरनेट बंद, जिसके कारण फिर उन्होंने वीडियो नहीं डाली। कहाँ से डालते, मुझे नहीं लगता वो फिर वीडियो डालते। तो उसकी वजह से उनकी चैनल की रीच डाउन हो गई और वो अपनी मोटिवेशन खो बैठे। अब तो वो फिर से यूट्यूब पर वापस आ चुके हैं, तो अब वो फिर से मेहनत कर रहे हैं अपनी चैनल पे। तो फर्स्ट जो मोटो व्लॉगर है कश्मीर का मेरे हिसाब से KTM डॉक्टर ही है, क्योंकि किसी से मैंने इतनी सारे वीडियो डाल दी, तकरीबन मैं 800 वीडियोस के करीब हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं मैं पहला मोटो व्लॉगर हूँ। मैं कुछ भी अनाप शनाप लिख दूंगा, मैं पहला मोटो व्लॉगर हूँ, मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाया मोटो व्लॉगिंग का। तो हमें सच पता है किसने यहाँ पर मोटो व्लॉगिंग पहले स्टार्ट की, वो है KTM डॉक्टर। बाकी जो भी कुछ भी बोलते रहते हैं, बोलने से कुछ नहीं होगा, जबान है हर किसी का अपना अपना, चलो जी कोई बात नहीं। उनको पता भी था कि हम इनकी वीडियो डाल रहे हैं, और फिर वही लोग लिख रहे हैं कि हम पहले बंदे हैं जिन्होंने मोटो व्लॉगिंग कश्मीर में स्टार्ट की, उन्होंने क्वालिटी वाला कंटेंट लाया पहले पहले। आपको पता है हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है वो किस मुकाम पे पहुँचे। उन दिनों काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे ना वो FBs पे उनके वीडियोस पोस्ट करते थे, रिपोस्ट करते थे वापस, मतलब कश्मीर KTM ड्यूक राइडर इन श्रीनगर ऐसा ही लिखते थे। बट आजकल वही बंदे लिख रहे हैं फर्स्ट मोटो व्लॉगर ऑफ कश्मीर। चलो हद होती है कसम के, हिपोक्रेसी की भी हद होती है। तो मैं बस थोड़ा सा आज ये माइंड में आया, उनकी वीडियो मैंने पिछली बार देखी थी, आज मुझे याद आया आपके साथ ये बातें थोड़ी बहुत शेयर करेंगे। तो अभी एक्चुअली मैं निकला किधर था, देखो बातें करते करते मैं किधर पर पहुँचा समझ नहीं आता। जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ ना, मैं मतलब पता नहीं चलता है मैं कहाँ पहुँचता हूँ, मज़ा आता है फ्राइड करने में। तो अभी थोड़ा सा था हमें काम, हमने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी बातचीत करेंगे। और आप लोगों का कुछ वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे FB पेज पे, नॉट इन YouTube। YouTube पे आप लोग कम थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दिखा रहे हो, तो अगर आप FB पेज पे देख रहे हो तो YouTube पे भी आओ, वहाँ पर भी थोड़े से हम यही वीडियोस अपलोड करते हैं, जो कि FB पे हम वीडियोस अपलोड करते हैं ना, उससे पहले हम YouTube पे ही अपलोड करते हैं। अरे अंकल दिखता नहीं है क्या, देखो कसम से कैसा पागल बंदा है, अंकल ने क्या किया ये। मैंने मतलब इस वाले जहाँ पर मैं था ना, इस वाले जगह पे कोई भी रॉन्ग नहीं आता, अंकल ने हद कर दी। चलो जी ऐसे बंदे भी मिलेंगे, ठोकने वाले थे। और इनकी नज़र वहाँ से थी ना, ही हेलमेट पहना था ना कुछ। फिर मैं कुछ बोलता हूँ ना, फिर कमेंट्स में कुछ लोग बोलते हैं तुम सिर्फ यही बोलते रहते हो, अब बोलो यहाँ पर किसी गलती थी। देखो सड़क पर पानी है और हमें पानी से थोड़ा बहुत डर लगता है,
क्योंकि हमारी बाइक फिर गंदी होती है, फिर मतलब आजकल बाइक को साफ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। अरे भाई साहब हमारा सिग्नल अभी खुला हुआ है, चलो 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 चलो, वरना पता नहीं कितने टाइम तक वेट करना पड़ेगा अगर सिग्नल बंद हुआ। अभी निकलो निकलो चलो। अरे सिग्नल तो खुला हुआ है, देखो अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं लोग। चलो लोगों को क्रॉस करने तो, हमें चढ़ना है फ्लाईओवर पे। अरे अरे चलो ना भाई साहब, चलो चलो यहाँ पर हमेशा ये पैदल लोगों के नखरे होते हैं। अरे डॉक्टर वाली दीदी, अरे डॉक्टर वाली दीदी आप क्यों ऐसे रुकती हो, मैं तो आगे नहीं बढ़ूंगा कसम से, मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा, मुझे डर लगता है इनसे। डॉक्टर वाली दीदी ने अगर अचानक से थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट किया ना, हमें पता है फिर क्या होता है, इसलिए हम पीछे ही सेफ हैं। वैसे तो कभी कभार रिवर्स भी लगा सकती हैं, तो तब तो गाड़ी बंद हो जाएगी। देखो हमारे नगमे, तो बाकी मुझे क्या लगता है, बाकी हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आज की वीडियो यही थी, हमने सोचा हर किसी दिन की तरह आप लोग उसे शेयर करते हैं। थोड़ा पीछे रहेंगे इनसे, ज़्यादा ही पीछे रहेंगे। अरे भाई साहब ज़्यादा आगे मत जाओ, डॉक्टर वाली दीदी चल रही है, इनकी गड्डी पीछे भी जा सकती है, थोड़ा बहुत संभाल के। तो बाकी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को क्या करना है, एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने अभी तक भी नहीं किया। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से और किसी नई सी प्यारी सी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।